जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को मैंने जो बताया था कि प्रोक्सी 6 पर आप लोगों ने आईपी को कैसे परचेज़ करना है, तो प्रोक्सी कैसे बाय करनी है। तो अब जो है काफ़ी सारे लोगों को इशू आ रहा था कि जो प्रोक्सी उन्होंने बाय किया उसको रिन्यू कैसे करना है, सेम प्रोक्सी का रिन्यू कैसे करना है ताकि जो आपका उसमें वर्क था वो सेव रहे और आप जो है अपने काम को कंटिन्यू जो है जारी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को यही बताऊँगा कि आप लोगों ने अपनी प्रोक्सी का रिन्यू कैसे करना है, सेम प्रोक्सी जो है वो आप कैसे रिन्यू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जो हम बगैर टाइम को वेस्ट किए हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे इस चैनल असद ऑनलाइन ट्यूटर पर न्यू हैं तो मेरे इस चैनल को लाजम से सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी इस तरह की न्यू वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन जो है टाइम से टाइम आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, उधर से आप जो है इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने किस तरह का जो है इंटरफेस शो होगा, सिंपल ये वेबसाइट जो है आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी। अगर आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ तो अकाउंट क्रिएट कर लें, वो जो है आई बटन पर मैंने वीडियो का लिंक दिया है, उधर से जो है वीडियो को देख के इस वेबसाइट पर अकाउंट क्रिएट करके प्रोक्सी को बाय कर सकते हैं। तो इधर से आपने सबसे पहले फ्रेंड इधर अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड सबसे पहले आप लोगों के सामने इस तरह बैलेंस शो होगा कि आपके पास जो है बैलेंस कितना पड़ा हुआ है। अगर तो आप लोगों के पास इधर $0 पड़े हुए हैं तो आप लोगों ने सबसे पहले इसमें जो है डिपॉजिट कर लेना है। डिपॉजिट करने का मेथड भी मैंने आप लोगों को जो है वीडियो में बताया हुआ है, उसका लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा या ऊपर आई बटन में शो हो रहा है, तो आप जो है उस वीडियो को भी वॉच करके जो है इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। तो अब जो है हमने सिंपल इधर प्रोक्सी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इधर आप लोगों को जो है आपकी प्रोक्सीज जो आपने बाय की हुई हैं वो इधर शो हो रही हैं, 5 की हैं, 6 की हैं, जितनी भी प्रोक्सी आपने इधर बाय की हुई हैं वो आप लोगों को इधर शो हो जाएंगी। और ये जो है आईपी पोर्ट, लॉगिन पासवर्ड वगैरह सब कुछ है। और इधर ये जो आप लोगों को आप लोगों को इधर टाइम शो हो रहा है कि आप लोगों के पास जो कितना टाइम बचा हुआ है, कितने डेज रह गए हैं प्रोक्सी जो है एक्सपायर होने में। तो फ्रेंड्स, अगर तो आप लोगों ने इस आईपी को रिन्यू करना है, सिंपल आप लोगों ने इधर ये जो है इस पर क्लिक करना है। अगर ज़्यादा आईपीज को आप रिन्यू करना चाहते हैं तो आप जो है इधर इन्फो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सभी आईपीज जो है आपकी इधर जो है सिलेक्ट हो जाएंगी। अब मैंने जो है इसमें सिर्फ एक आईपी है, एक ही आईपी पर मैंने इधर जो है क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर ये जो है रिन्यू वाला ऑप्शन है, ऑटो रिन्यू भी आप कर सकते हैं, इनेबल करेंगे तो ये जो है ऑटो आपके बैलेंस कट होता रहेगा। जैसे ही 30 डेज़ कम्प्लीट होंगे तो ये जो अगेन 30 डेज़ की जो है इसमें परचेज़ हो जाएगी। तो आपने ये जो ऑटो रिन्यू वाला ऑप्शन जो है डिसेबल ही रहने देना है। सिंपल इधर आपने रिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इधर आप जो 3 डेज़, 1 वीक, 2 वीक, 1 मंथ, ये जो आप लोग जो है जितने का भी चाहते हैं इधर इस आईपी को रिन्यू करना चाहते हैं वो आप लोगों ने सिंपल इधर से जो है वो ड्यूरेशन सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने सिंपल उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर कन्फर्म एक्शन ये आप लोगों को शो हो रहा है, आप लोगों ने सिंपल ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आप लोगों के सामने फ्रेंड इस तरह का ये जो ऑर्डर आ चुका है। इधर डिस्काउंट कूपन जो है आप लोगों ने गूगल से जो है फाइंड कर लेना है। इधर न्यू वाले पर जो है कूपन आप लोगों को वो वाला नहीं मिलेगा जो आप लोग न्यू आईपी परचेज करते हुए ऐड करते हैं, वो कूपन इधर ऐड नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इधर जो है मुझे कूपन जो है फाइंड किया है मैंने, तो ये मैं जैसे इधर अप्लाई करता हूँ तो आप लोगों के सामने ये देख लें आ चुका है, दिस कूपन इज़ वैलिड ओनली विद परचेज ऑफ न्यू प्रोक्सी। आप जो है न्यू प्रोक्सी परचेज करते हुए ही जो है कूपन कोड इधर डिस्काउंट कूपन इधर ऐड कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर नहीं ऐड हो रहा तो आप लोगों ने सिंपल इधर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आप लोगों का ये जो है ऑर्डर इधर ये कंप्लीट हो चुका है। और ये देख लें, अब जो है 2 डेज़ पहले थे मेरे पास बाकी और जो है 30 डेज़ इसमें जो है और ऐड हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह जो है आप लोग अपनी जितनी भी आईपीज़ हैं उनको रिन्यू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल असद ऑनलाइन ट्विटर पर न्यू है तो मेरे इस चैनल को लाजम से सब्सक्राइब करें ताकि जब इस तरह की न्यू वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।